सॉफ्टवेयर ओके एंड्रॉइड कीपैड मोबाइल हो या सभी टाइप के मोबाइल पे हमें सॉफ्टवेयर करना अगर सीखना है तो हमें पहले पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम मोबाइल में कैसे आती है, हम उसको कैसे पहचानेंगे। ऐसा नहीं प्रॉब्लम है उसमें चार्जिंग की और हम उसको सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर रहे हैं तो वो सही नहीं होने वाली है। तो हमें प्रॉब्लम जो है पता होना चाहिए कि कितनी तरह की प्रॉब्लम आती है और तब हमें मोबाइल में सॉफ्टवेयर जो है वो करना है ओके। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, तो पहले नंबर पर मैंने लिखा है मोबाइल का हैंग होना। कोई भी मोबाइल हो, एंड्रॉयड है, कीपैड है मोबाइल, क्या हो रहा है वो मोबाइल हैंग हो जाता है, चलते चलते रुक जाता है या फिर स्लो वर्किंग करने लगता है, तो उसे कहते हैं मोबाइल हैंगिंग प्रॉब्लम। तब उसमें हम क्या है मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, मोबाइल रिस्टार्ट हो रहा है यानी कि मोबाइल को ऑन कर रहे हैं तो फिर ऑफ हो जा रहा है, फिर ऑन हो रहा है और फिर से ऑफ हो रहा है, ये कंडीशन कहलाती है मोबाइल रिस्टार्ट। तब हमें सॉफ्टवेयर करना है मोबाइल के अंदर। थर्ड नंबर क्या क्या कंडीशन है, मोबाइल की सप्लाई सही है तब हमें सॉफ्टवेयर करना है, यानी कि मोबाइल की बैटरी चार्ज है, मोबाइल के अंदर शॉर्टेज नहीं है, मोबाइल के ऑन पर वोल्टेज आ रहा है, यानी कि सब कुछ सही है फिर भी जो है मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, यानी कि डेड कंडीशन मोबाइल चलते चलते बंद हो जाता है, यानी कि हम इस मोबाइल को चला रहे हैं यूज कर रहे हैं अपने आपों के सामने और मतलब ना तो मोबाइल गिर रहा है ना पानी गया कहीं नहीं, चलते चलते क्या हो गया मोबाइल अपने आप बंद हो गया, जाके उस कंडीशन पर हमें क्या करना है मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर करना है। नेक्स्ट क्या है मोबाइल स्लो चलना, मोबाइल क्या है कि हम लोग जैसे हमें टच किया या कोई कीपैड बटन वाली दवाई कीपैड मोबाइल जैसे बटन दबाएंगे टच वाला टच दबाएंगे तो दबाया उस पर कुछ देर बाद काम करता है, हर बार कंडीशन नहीं है। हैंग वाले में क्या होता है कि मोबाइल चलता तो सही है कुछ देर बाद हैंग होता है ओके, हैंग प्रॉब्लम अलग होती जाके स्लो क्या है परमानेंटली स्लो चलता है, उसमें होती है प्रॉब्लम स्लो चलना की। तब हम क्या करेंगे मोबाइल में सॉफ्टवेयर करेंगे। अब मान लो कि जैसे किसी रैम या प्रोसेसर जिसका कम है वो परमानेंटली स्लो चलेगा ओके। तो ये नहीं कि आप जो 4G है उसमें 2G वाले का मोबाइल चलाओगे तो आपके जैसे जावा बेस्ड है, आप क्या है एंड्रॉयड वाले जो हैं तो जावा वाले का सेट चलाओगे तो वो एंड्रॉयड मोबाइल में नहीं चल पाएंगे ओके। हम बात कर रहे हैं आप एंड्रॉयड की, फिर एंड्रॉयड अगर मोबाइल है और वो स्लो वर्किंग कर रहा है, जैसे कि मान लो मोबाइल में सेटिंग होती है टाल और बैट की होती है कि जब भी हम कोई बटन दबाते हैं तो पहले उस जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है वो पहले बोलता है ठीक आपने कौन सा ऑप्शन पे क्लिक किया है तो बोलेगा, फिर जब वो उसकी बात खत्म हो जाएगी फिर हम तो दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फिर दूसरा ऑप्शन खुल गया आएगा तो उसे हम कहते हैं टाल बैट वहाँ पूरा निश्चित हमें सॉफ्टवेयर करना है। मोबाइल के फंक्शन अपने आप डिलीट हो जाना ये भी एक प्रॉब्लम है, जैसे कि हमने मान लो कि कुछ दिन सेट यूज किया उसमें क्या कैलकुलेटर का गायब हो जाए आपने नहीं आएगा या कैलेंडर है वो अपने आप चला गया अपन नहीं कर रहे तब हमें सॉफ्टवेयर करना है। मोबाइल को अपडेट करना, अपडेट इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए अभी मोबाइल प्रेजेंट टाइम में यूज कर रहे हैं कुछ उसके लेटेस्ट फंक्शन अपडेट हुए कुछ उसके लेटेस्ट करना सर अपडेट होगी और वो मोबाइल में आपके नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं उसकी नई वाली फ्लैश फाइल डाउनलोड करके उसमें अपडेट कर सकते हैं, चीज़ों को बढ़ा सकते हैं उसे अपडेट कहते हैं। मोबाइल का कोई भी फंक्शन खोलने पर मोबाइल हैंग हो जाता है ये भी हो जाता है, जैसा कि कैमरा हम खोलेंगे तो कैमरा नहीं ओपन होना और मोबाइल वहीं पर रुक जाएगा, पर हमें क्या करना पड़ेगा मोबाइल की बैटरी जो है वो निकाल के उसे दोबारा से ऑन करना पड़ेगा तब ओपन होगा, या हम कभी गैलरी को ओपन कर रहे हैं या कोई मैसेज का ऑप्शन जो मैसेज का जो आइकन आता है उसको ओपन किया तो क्या हो गया वो मोबाइल वहीं पर हैंग हो गया जाके, उस कंडीशन में हमें क्या करना है मोबाइल में सॉफ्टवेयर करना है। नेक्स्ट है मोबाइल में पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक, फेस लॉक और फिंगर लॉक, ये अगर सारे लॉक लगे हैं तब हमें सॉफ्टवेयर से इनको हटा सकते हैं, हालांकि ये हार्ड रीसेट से भी हट जाते हैं लेकिन बहुत से ऐसी नई सिक्योरिटी के एंड्रॉइड मोबाइल आ रहे हैं जिनको आप हार्ड रीसेट करोगे तो वहां पर भी पिन या पासवर्ड या पैटर्न कोड मांगेगा तो आपको सॉफ्टवेयर करना है ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे FRP लॉक, वो FRP लॉक वो जीमेल या गूगल अकाउंट लॉक होता है उसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं होता, अगर आप मोबाइल में आपने सॉफ्टवेयर कर दिया लेकिन वो अगर लगा है तो वो लगा रहेगा क्योंकि वो जो होता है 5.0% के अपग्रेड वाले जो एंड्रॉयड मोबाइल है उनमें यूज होता है, 5.0 नीचे है क्योंकि एंड्रॉयड सेट वर्जन तो उस पर वो लॉक जो है वो काम नहीं करता है, वो चीज़ अलग होगी जाके ओके।
हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो तब हमें सॉफ्टवेयर करना का तरीका पता नहीं। अच्छा, मोबाइल की डिस्प्ले जो है वाइट हो जाती है, यानी सफेद हो जाती है। जैसे हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, चला रहे हैं, कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, कुछ देर बाद क्या होगा, मोबाइल की स्क्रीन वाइट हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, डिस्प्ले नहीं खराब होती है। हालांकि सभी में ये प्रॉब्लम नहीं आती है, कुछ कुछ साइडों में प्रॉब्लम आती है कि उसकी डिस्प्ले जो है वो पूरी की पूरी वाइट हो जाती है सफेद। तो उसमें हम सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। और अब ये प्रॉब्लम पहचानोगे कैसे कि हाँ ये वाकई में जो डिस्प्ले जो वाइट हुई है वो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हुई। तो मान लीजिए कि भाई डिस्प्ले अगर किसी मोबाइल की वाइट होगी एंड्रॉइड की, तो मार्केट उसी डिस्प्ले के लिए है, उसी डिस्प्ले के लिए गया है, जब ले आए डिस्प्ले हमने वो भी डिस्प्ले लगाई, वो भी नहीं काम की। फिर हम सॉफ्टवेयर के हमने एक दो दिन डिस्प्ले और बदल के देखी, लेकिन वो डिस्प्ले जो है तब भी वाइट है। तब हमें उस कंडीशन पे सॉफ्टवेयर मोबाइल में करना है। नेक्स्ट क्या है, लास्ट में मोबाइल लोगो पे रुक जाना। अब लोगो का मतलब जैसे कि सैमसंग का मोबाइल है, ओप्पो का है, वीवो है, एमआई है, माइक्रोमैक्स है, कोई भी मोबाइल है, तो उसको जब भी हम ऑन करेंगे, ऑन करने पे क्या होगा, सिर्फ उस कंपनी का जो है वो लोगो मोबाइल पे दिखाई पड़ेगा और उसके बाद वो आगे ही नहीं बढ़ेगा। उस कंडीशन पे हमें सॉफ्टवेयर करना। हालांकि बहुत से ऐसे सेट हैं जिनमें क्या होता है, ये प्रॉब्लम ईएमएमसी आईसी से आता है, जो सीपीयू के बगल में जो लगी होती है, तो उसको भी प्रोग्राम करना पड़ता है, यानी कि है तो वो भी सॉफ्टवेयर। तो इतनी सारी अगर प्रॉब्लम है तो आप मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर कर सकते हो। ओके, क्लियर हो गया। तो पहले प्रॉब्लम पता होनी चाहिए कि इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लमें आती है, तब हम सॉफ्टवेयर कर सकते हैं।